तो लो जी, मैंने ओपन कर दिया, थोड़ी सी मशक्कत लगी, लेकिन अब ये देखो ओपन सनरूफ है जी। ऊपर से कौवे कबूतर भी आ सकते हैं, वैसे अगर डेंजरस लग रहा है मुझे। वो जो प्राइस है TCM दिल्ली पे, वो है 2 lakh 50 हज़ार। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माई राइड के एक और ऑफ रोड व्लॉग में और शौकीन व्लॉग में। अब मैं इसे शौकीन व्लॉग या शौकिया व्लॉग क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों को शौक होता है गाड़ियाँ रखने का, आज उनकी बात होगी। क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी लेके आए हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और थार लवर भी इसे जानते ही होंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं TCM दिल्ली के स्टॉक से जीप रैंगलर 4x4 अनलिमिटेड एडिशन, एंड इट इज़ अ CBU यूनिट कार, और गाड़ी है पेट्रोल इंजन के साथ, गाड़ी है ब्लैक कलर में। अब जीप रैंगलर आपको हमेशा दिखती है रेड कलर में और ग्रे कलर में, और आपने कलर भी देखे होंगे, बट ब्लैक कलर एक ऐसा है जो इतनी आसानी से आपको मिलता नहीं है। बट TCM दिल्ली पे ये गाड़ी अवेलेबल है फॉर सेल, तो जिस किसी भाई को भी शौक है ना जीप रखने का, तो अब वो इंक्वायरी कर सकता है और इस गाड़ी को अपना बना सकता है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम चली हुई है, रीसेंट मॉडल है, और कंडीशन जो है वो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देना इस जीप के लिए, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो ये लाल कलर का बटन दबा के आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए और आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स बन जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 गो। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top and pack it, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. तो अब बात करते हैं जी जीप रैंगलर की। भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इंडिया के अंदर, बहुत कम दिखती है, इसे भी आप लैम्बर्गिनी और फरारी से कम मत समझिए, क्योंकि ये भी उसी सेगमेंट की कार है, बहुत ही शौकिया लोग ही इसे प्रेफर करते हैं। लेकिन इस गाड़ी की कैपेबिलिटी ऐसी है ना कि जिस सड़क पर इस टाइम मैं हूँ ना, जिस सर्फेस पर मैं हूँ ऑफ रोड, ये उसी के लिए बनी गई है, और फ्लैट रोड पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब फ्रंट से देखते हैं फ्रंट में इसके अंदर क्या क्या मिलता है, पर उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब फैंसी की तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ नॉर्मल की जो है वो है जी इसकी, लॉक एंड अनलॉक का जो है बटन यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं इधर से, अब फ्रंट ग्रिल पर आपको जो सिग्नेचर ग्रिल होती है जीप की, वो मिलती है इसके अंदर, जिसमें यहाँ पे आपको जीप की ब्रांडिंग दिखती है। बाकी आप इसका बम्पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका बम्पर, इसके अंदर कोई फिटिंग तो नहीं है एज सच बाहर से, लाइक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल स्टॉक है गाड़ी, यानी अगर किसी को भी मॉडिफिकेशन करानी है तो वो अपने हिसाब से करा सकता है इसको लेके। इसके बम्पर की अगर कैपेबिलिटी आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर अगर बैठ भी जाऊँगा ना, और पैर मैंने ऊपर कर लिया, तो इसने मेरा वेट तक भी बहुत ईजिली ले लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बम्पर। और खड़ी हुई है कहाँ, TCM दिल्ली पे, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हुड की, क्योंकि इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अक्सर क्या होता है, लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ हुक खोलने से ही इसका हुड जो है वो ओपन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ हुड नहीं होता, यहाँ पर आपको चाबी भी इंसर्ट करनी पड़ती है, जो कि मैं इसके अंदर करूँगा। और ये जी मैंने खोल दिया, हालांकि हाइड्रोलिक नहीं है जी इसके अंदर। तो ये देखिए जी, ये है कुछ इंजन इसका, V6 की आपको ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे, क्योंकि ये एक V6 इंजन पेट्रोल कार है जो कि बहुत ही शानदार है। तो ये थी इसकी कुछ इंजन की शक्ल जो मैंने आपको दिखाई। अब इसे बंद करना कितना ईजी है, आप इसे यहाँ से बंद करिए, चाबी को लॉक करिए, और दोबारा से ये जो हुक है इनको यहाँ पर करके ऐसे फोल्ड कर दीजिए। मतलब हर चीज़ इसके अंदर मैनुअली आपको करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक लवर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है गाड़ी जिनको मैंने आपको बताया शौक करना है, जिनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो
भाई अलग ही दिखती हो, मतलब जिनको रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए ना कि मेरी गाड़ी अलग दिखे, तो वो है गाड़ी। अब ये गाड़ी जो है अब कितने सीटर में आती है ये मैं आपको बताता हूँ। अब थार जो है, थार लोग लेते तो हैं, थार मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट कार है, बट थार में चार दरवाजे नहीं आते हैं। कुछ लोग इसको भी जब देखते हैं रोड पे तो इसको भी उनको ऐसा लगता है कि ये थार है, बट ये थार नहीं है, ये अमेरिकन ब्रांड की कार है जिसका नाम है जीप रैंगलर। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं हम आपको दिखाते हैं साइड से। इसके जो साइड फेंडर हैं वो भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक को इन्हांस करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हुड से बाहर निकले हुए हैं। तो इसकी जो टायर प्रोफाइल है विद स्टॉक अलॉय वो आती है जी 245/75R 17 inches के स्टॉक अलॉय। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख रही है रैंगलर अनलिमिटेड। अब बात करते हैं इसकी पीछे से एक बार, तो थार में भी बिल्कुल इसी स्टाइल के टेल लैंप्स अब आपको मिलते हैं, हालांकि वो जीप से इंस्पायर्ड है पूरी थार। अब पीछे से आप देखिए, पीछे से काफ़ी सही इसके टेल लैम्प लगते हैं, पीछे आपको एक स्पेयर व्हील दिखता है इसके अंदर, और अगर इसे खोलना हो तो कुछ इस तरीके से आप खोलेंगे और ये चीज़ को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसिव बूट स्पेस मिलता है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सबवूफर मिलता है म्यूज़िक सिस्टम का। बाकी ये जो आप चीज़ देख पा रहे हैं ये गाड़ी पूरी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भाई सफारी पे जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी से श्योरली कर सकते हैं एडवेंचर, क्योंकि आप इसकी पूरी की पूरी छत को खोल के ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको इसके डोर दिखाता हूँ। अब डोर हैंडल्स देखिए आप इसके, इसके अंदर आप देखेंगे ये देख रहे हैं ये नट सिस्टम देख रहे हैं आप इधर, ये दरवाजे भी बाहर आ जाते हैं जी। आप खुद चाहें तो आपके पास टूल किट मिलती है, आप पूरे दरवाज़ों को बाहर निकालें, चारों दरवाजे आप निकाल दें, छत खोल दें और ज़बरदस्ती इन्जॉय करें इसकी राइड को। अब दरवाजे जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रॉ गाड़ी है जी ये, इसे आप अल्ट्रा लग्जरी नहीं कह सकते, ये रॉ गाड़ी है। और इसके अंदर बैठने के लिए थोड़ी सी आपको फुट स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक 4x4 कार है और काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी है, तो यहाँ पे आपको एक हैंडल भी दिया होता पकड़ने के लिए, तो यहाँ से आप बैठते हैं और ये ईज़िली आप सेटल हो जाते हैं। पीछे मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ, इसकी सीट एक बार एडजस्ट कर लूँ मैं, तो पीछे एक बार बैठता हूँ मैं, पीछे के जो डोर हैं और पीछे का स्पेस है वो हम देखते हैं ऐसे करके, और ये इजीली बैठ गए जी। हाँ जी, तो ये बैठ गए जी। इसके अंदर आपको लोडिंग के तौर पे रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी लगवा रखी हैं, जो कि पीछे वालों के लिए एक लॉन्ग ट्रैवल पे अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, जो पीछे जो पैसेंजर अगर आपकी फैमिली बैठी है। अब जो पीछे वाली सीट है उस पर कम्फर्टेबली 3 बंदे बहुत आराम से बैठ जाएंगे, मतलब एक यहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, एक यहाँ बैठ जाएगा। हेडरूम बहुत ज़्यादा है आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। अब जो छत खोलने की मैं बात करूं कि छत किस तरीके से खुल जाती है, ये आप देख पा रही हैं ये चीज़, ये जो चीज़ है ये निकल जाती है, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूं निकाल के, देखिए ये देखिए ये पूरा का पूरा, अब ये देखिए निकल गया जी ये। अब ऐसे इसके नट है जो आगे से निकलते हैं और इसकी छत बिल्कुल ओपन हो जाती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा खोल के। हाँ जी, तो अब मैं बैठ चुका हूँ जीप रैंगलर के अंदर, और यहाँ पे बैठते ही आपको इसे स्टार्ट करना पड़ता है, पुश स्टार्ट बटन तो नहीं है तो ये स्टार्ट होगी। ठीक है, रॉ गाड़ी है तो इसके अंदर आप ज़्यादा फीचर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो मेन फीचर है वो ये है जी, इसका लीवर 4x4 लो हाई आप जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। AC के कंट्रोल आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये दिस इज़ फॉर विंडो कंट्रोल, अभी आप देख रहे हैं ये देखें, स्टेयरिंग जो है वो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं, और स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसका, विद जीप लोगो, जीप ब्रांडिंग यहाँ पे। और जो इधर है, इधर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें आप स्टोरेज वगैरह जो भी है वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव की, और बट ड्राइव से पहले मैं इसे खोलता हूँ ताकि जो ड्राइव हम लेना तो ओपन एयर में चलाएं, ताकि आपको पता लगे जब ये खुल जाती है तो कितनी ज़्यादा शानदार लगती है।
तो लो जी, मैंने ओपन कर दिया, थोड़ी सी मशक्कत लगी, लेकिन अब ये देखो क्या फील आ गया। अब बन गया ना बिल्कुल ऑफ रोड कार और फुल एडवेंचर के साथ। अभी मैंने आगे की खोले क्योंकि एक शॉर्ट राइड पे आपको लेके चलता हूँ और उसके बाद इसकी डिटेल बताऊँगा कि किस प्राइस में ये गाड़ी अवेलेबल है TCM दिल्ली पे। हाय गाइस, तो अब हम लोग निकल चुके हैं, भाई भी साथ में है, नकाबपोश। भाई शक्ल तो दिखाओ। हेलो जी, शक्ल दिखाने के 2000 रुपये चार्ज लगेंगे। वो तो ठीक है, इस गाड़ी में तो 2000 भी दिए भाई। आज हम चला रहे हैं जीप रैंगलर, मिस्टर व्यास साथ में है। अब क्या है ना, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये थार चला रहे हैं, क्या कहता है इस बारे में? ये तो है, खैर लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें लगता है कि ये थार जा रही है नई वाली। हाँ, नई वाली थार जा रही है, नई वाली थार है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैसे हो गई है? हालांकि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में भी, इसे भी आप लैम्बो फरारी से कम मत समझो, इसकी भी बिल्कुल वही वाली वैल्यू है। ओपन सनरूफ है जी, ऊपर से कौवे कबूतर भी आ सकते हैं, वैसे अगर डेंजरस लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। कुछ रिएक्शन जरूर शेयर करेंगे भी आप सबके साथ। हाँ, मतलब आजू बाजू वाले ओके, लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे पता है इसमें क्या लगी, इसका कलर बहुत अच्छा है। कलर बहुत ही यूनिक तो नहीं कहूंगा इसे मैं यार, ब्लैक कलर क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। हाँ सही है, मेरा फेवरेट ब्लैक है। एक तो ब्लैक कलर फेवरेट बहुत ज्यादा होता है लोगों का, और दूसरी बात यह कि ब्लैक कलर इतनी आसानी से आपको सेकंड हैंड मार्केट में हर गाड़ी पे नहीं मिलता। इट्स नॉट अबाउट जीप रैंगलर, अगर आप इवोक लेते हैं या कोई और भी गाड़ी ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको ब्लैक कलर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। तो अभी हम लोग जिस स्पीड पे चल रहे हैं वो स्पीड है जी 40 की स्पीड है, पेट्रोल कार है, 3 लीटर इंजन है, V6 है जी। एवरेज की एक्सपेक्टेशन अगर मैं बताऊं तो 10 के अंडर ही आप रखो इसकी एवरेज की एक्सपेक्टेशन। हाँ, लेकिन डीजल से ज़्यादा बेटर जो ड्राइव होती है, अक्षय ने भी चलाई है, पेट्रोल की होती है। क्या कहते हैं, सही बात है यानी बिल्कुल। मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी ऑफ रोडर है, तो ऑफ रोडर में मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि पीछे रेयर एंटरटेनमेंट किट लगी हुई है। हाँ, मतलब वो लगवा रखी है, जिनके पास ये गाड़ी थी उनका शौक था उनको। इन गाड़ियों में वैसे आती नहीं है, लोग पीछे कम ही बैठते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं एडवेंचर के लिए, क्योंकि ये बॉडी रोल वाली गाड़ी है। इस गाड़ी को ऐसे ऐसे आप चला सकते हैं, मतलब आप देखो इसके पंप देखो आप। ये जो इस टाइम गई है ना गोली, मैंने इसे 80 लगाया इस टाइम और आवाज आ रही थी कोई इंजन की, जबकि खुला हुआ है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि बाकी भाइयों को आवाज आ रही हो हमारी। हाँ, भाइयों को आवाज, अगर हवा की आवाज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन आपको फ्रेम में लेना था अपने को, दोनों को। हाँ। तीसरा बंदा कोई है नहीं, तो तीसरा बंदा गोप्रो ही है जो हेल्प कर रहा है अपनी। पर एक होता है ना, क्या कहते हैं उसे, सच्चा, एक सच्चा ओपिनियन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, सच्चा कि, नागरिक सच्चा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये थोड़ी ना सही में शौक वाली गाड़ी है, कि अगर जिसको शौक है वही लेगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि आप ये गाड़ी लोगे, मैं नहीं लूंगा, भाई से पूछा जाए वो ले लेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अब आपको छत खोल के चलानी है, आपकी मेहनत लगेगी, जैसा अभी आपने देखा कि कितनी मेहनत लगी उतारने में। वाकई वाकई, गेट हटाने में मेहनत लगेगी, अकेला बंदा नहीं कर सकता। ना जी ना, बिल्कुल तो नहीं। ये है, जिसको शौक होगा वही लेगा कि मैं तो भाई यही चलाऊंगा और मैं कर भी सकता हूँ ये। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो मिस्टर व्यास हेल्पिंग हैंड देंगे, ठीक है, क्योंकि गोप्रो ने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब कैमरा, अब ये देखो कैमरा थोड़ी सी मेहनत करेगा, और जो रोड पे जो लोग है ना वो देखना है इस गाड़ी को किस तरीके से देखेंगे। अब ये देखो, जैसे ये जो लोग हैं ये देखो किस तरीके से देख रहे हैं पूरा, मतलब लोग, मतलब यार है वो, देखो लेफ्ट में ऑटो वाले अंकल हैं, वो देखो वो इस गाड़ी को जरूर देखेंगे, वो देखो हम ही देखेंगे वो पूरा पूरा वो देखो। आई होप कि भाई ने कैप्चर कर लिया हो, सब कैप्चर हो गया। हाँ, तो ये ऐसी ही गाड़ी है जहाँ पे लोग मतलब रुक नहीं पाते और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, लोग लिटरली इसे थार ही समझते हैं, जिनको नहीं पता होती कि जीप रैंगलर क्या चीज़ है वो इसे थार ही कंसीडर करते रहते हैं। तो भाई बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी की ड्राइव लेके, अब थोड़ा सा मज़ा और लेते हैं और इसके आपको पैसे बताते हैं कि क्या पैसे हैं इसके TCM दिल्ली पे, और उतरते हैं फिर। बिल्कुल जी, चलो। हाँ जी, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ड्राइव रही जीप रैंगलर अनलिमिटेड की, जो कि सेल पे अवेलेबल है। ये गाड़ी की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस किसी भाई का भी सपना हो जीप रैंगलर लेने का, उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। अब बात करते हैं इस गाड़ी की डिटेल के साथ। ये गाड़ी अवेलेबल है TCM दिल्ली पे, आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं, अपना बना सकते हैं। इस गाड़ी की डिटेल जो है वो है सन 2017 मॉडल की, ये गाड़ी है 2017 मैन्युफैक्चर्ड कार है, और गाड़ी चली हुई जो है वो मैंने आपको मीटर पे दिखा दिया था, तकरीबन 40,000 किलोमीटर ये चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। गाड़ी इंश्योर्ड भी है अगस्त के महीने तक, और इसकी जो प्राइस की बात करें, वो जो प्राइस है TCM दिल्ली पे वो है
48,75,000 यानी 48,75,000 रुपये की है इस गाड़ी की डील। तो अगर आप इस गाड़ी को अपना बनाना चाहते हैं तो श्योरली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, और अगर आप कोई एडवाइस भी देना चाहते हैं फॉर फ्यूचर तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज एंड सी यू अगेन।